दोस्तों आज हम मैथ में एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री। ये मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और अदर चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बस इस टॉपिक को स्टार्ट करने का रीज़न ये है कि 10th क्लास में बच्चों को थोड़ा टफ लगता है, उनको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो इस चैप्टर को हम बड़े सरल तरीके से यहाँ पर सीखेंगे और कैरी करेंगे आगे। तो देखते जाइएगा फ्रेंड्स इस चैप्टर में क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है, कैसे क्या सीखना है। इस चैप्टर वास्तविकता में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 10th क्लास में इसके बहुत से बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग सीखते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ इसका यूज में भी है, आपको मिलेगा। उसके बाद जब आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे तो उस पर भी आपको ये देखने को मिलेगा, जैसे डिफेंस एग्जाम, एयरफोर्स, नेवी और एनडीए वगैरह में इसके क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, और एसएससी के एग्जाम जैसे सीएचएसएल वगैरह में भी इसके क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको हम लोगों को पढ़ना इसीलिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। अब हम बात करते हैं अपने लेवल पर। तो अगर हम 10th लेवल पर बात करें तो ये बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल बेसिक्स टॉपिक इसमें स्टार्ट किए गए हैं। 10th क्लास की बुक में इसमें दो चैप्टर टॉपिक दिए गए हैं चैप्टर वाइज, जिसमें से पहला है त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, और दूसरा है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, द एप्लीकेशंस ऑफ द ट्रिगोनोमेट्री। तो उसमें से हम पहला टॉपिक त्रिकोणमिति ट्रिगोनोमेट्री को स्टार्ट करेंगे। तो इसमें हमको ये सीखना है कि होता क्या क्या है, कैसे क्या एंगल निकालते हैं या कैसे हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको कैरी करनी है। तो पहले हम जान लेते हैं ट्रिगोनोमेट्री के। तो ये बेटा ग्रीक वर्ड का एक शब्द है, ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है ट्रिगोनोमेट्री, मतलब ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया एक शब्द। इसका मतलब क्या होता है, ट्राई का मतलब होता है थ्री, गोनो का मतलब होता है साइड्स, और मेट्री का मतलब होता है मीजरमेंट। ठीक है, मतलब तीन, गोनों का मतलब भुजाएं और मेट्री का मतलब मापन, जिसमें हम तीन भुजाओं का मापन करें, या इसका हिंदी में नाम होता है त्रिकोणमिति। त्रि का मतलब तीन, कोण का मतलब एंगल, और मिति का मतलब मीजरमेंट, जिसमें हम तीन कोणों का मापन करें। तो इससे ये पता चले इसमें हम तीन भुजाओं का मापन करें या तीन कोणों का मापन करें। तो यही सारी चीज़ें हमको इसमें पढ़नी है। अब आप सब लोग जानते हैं कि तीन भुजाएं या तीन कोण सिर्फ ट्रायंगल यानी त्रिभुज में होते हैं। किस त्रिभुज की हम इसमें बात करते हैं, तो इसमें हम लोग बेटा समकोण त्रिभुज की बात करते हैं। किस त्रिभुज की बात करते हैं, समकोण त्रिभुज की। आप सभी लोग जानते हैं ये त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें एक कोण 90 अंश का होता है। इसमें हम अपने आप से कोई भी नाम दे देते हैं, ए बी और सी, ये हो गया समकोण त्रिभुज। इस टॉपिक में शुरू होने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो थ्योरम इसमें लगती है ट्रायंगल में, वो है एक पाइथागोरस थ्योरम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिना पाइथागोरस प्रमेय के ट्रिग्नोमेट्री का ओरिजिन ही नहीं हो सकता है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है, समझिए आप। पाइथागोरस प्रमेय कहिए या आप सूत्र कहिए, ये है बेटा कर्ण का होल हाफ स्क्वायर इज इक्वल लंब का होल हाफ स्क्वायर प्लस आधार का होल हाफ स्क्वायर। ये फार्मूला होता है, इसमें कर्ण का होल हाफ स्क्वायर इज इक्वल लंब का होल हाफ स्क्वायर प्लस आधार का होल हाफ स्क्वायर। अब इसमें से बात आती है कि कर्ण क्या है, लंब क्या है और आधार क्या है। तो बेटा जब हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं तो जो कोण 90 अंश का होता है, 90 अंश के कोण के जस्ट सामने वाली जो भुजा होगी वो हमेशा होती है कर्ण भुजा। इंग्लिश में इसको हाइपोटेनस बोला जाता है, कर्ण भुजा होती। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। हम लोग जिस कोण की बात करते हैं उसके जस्ट सामने की जो भुजा होती है वो सदैव होती है लंब भुजा। अभी आगे इस चीज़ को क्लियर करेंगे कौन सा कोण लेते हैं, अभी यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। तो 90 अंश के जस्ट जो सामने की भुजा होगी वो होगी कर्ण भुजा। शेष दो भुजाओं में से एक भुजा हो जाती है बेटा आधार और दूसरी भुजा हो जाती है लंब। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी, ये होता है लंब, कर्ण और आधार। तो इसी से फार्मूला बन गया पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के आधार पर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की। तो पूरे ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति में हम छह तरीके के ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ को पढ़ते हैं। वो छह तरीके के ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ क्या होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं। तो पहला बेटा होता है साइन, दूसरा होता है कॉस, तीसरा होता है टैन, चौथा होता है कॉट, फिफ्थ नंबर का होता है सेक, सिक्स नंबर का होता है
आपने बेटा कई बार देखा होगा कि इसके साथ साथ कभी कभी लगा होता है ए, कहीं लगा मिल जाएगा आपको थीटा। तो ये क्या है इसको अभी समझाते हैं कि आपको बताएंगे क्या है। तो यहाँ पर हम थीटा लगा लेते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, कोई ज़रूरी नहीं आप थीटा लगाएं, ए बी सी आप जो मानो आप वो लगा सकते हैं। इसको थोड़ा समझ लीजिए, जैसे आपके पास मान लीजिए लिखा है साइन थीटा, तो बेटा ये होता है त्रिकोणमिति अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, और जो उसके साथ में लगा होता है ये प्रदर्शित करता है एंगल की वैल्यू को। एंगल की वैल्यू जैसे हो गई 30 डिग्री, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180, कुछ भी हो सकता है इसकी जगह। तो इसीलिए हम साइन के साथ जो भी एंगल लगा होता है, कोई ये ज़रूरी नहीं कि क्या हम थीटा ही रखें, ऐसा कुछ नहीं है। हम साइन ए भी लिख सकते हैं, साइन हम बी भी लिख सकते हैं, साइन पी क्यू, जो भी आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। क्या ये दोनों मल्टीप्लाई में होते हैं? ना, ये मल्टीप्लाई में बिल्कुल नहीं होते बेटा। मान लीजिए इसे कहने साइन, और कुछ लोग कह देंगे कि मल्टीप्लाई में होता है, तो बेटा मल्टीप्लाई में इसलिए नहीं होता क्योंकि मल्टीप्लाई का रूल होता है, जैसे लिखा है 3 × 2, तो अगर ये मल्टीप्लाई में तो इसको 2 × 3 लिखें, 2 3 × 2 आना तो 6 ही है, तो इस हिसाब से अगर ये मल्टीप्लाई में होता तो उसको हम थीटा पहले भी लिख सकते थे, फिर तो साइन हो जाता, बट ये तो गलत हो गया। इस बेसिस पर हम कह सकते हैं कि इनका दोनों का मल्टीप्लाई कभी नहीं होता, ये एंगल को प्रदर्शित करता है और ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को प्रदर्शित करता है। इतनी बात बेटा आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, आगे थोड़ा सा देखने का प्रयास करिए। इतना आपने समझ लिया, ये समझ लिया। अब हम लोगों को एक छोटा सा फार्मूला या बेसिक याद रखना है, लाल बटे कक्का, ये आपको याद रखना है, LAL/KKA, लाल बटे कक्का। इसको याद करने का तरीका कैसे, याद रखिएगा बेटा, देखिए यहाँ पर लिखिएगा साइन, यहाँ पर लिखेंगे कॉस, और यहाँ पर लिखेंगे टेन, उसका जस्ट अपॉन कर दीजिए, यहाँ पर पलट लीजिए कॉट, सेक और कॉसेक। बेटा देखिए, एल का मतलब होता है लंब, ए का मतलब होता है आधार, फिर एल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण, के का मतलब कर्ण, ए का मतलब आधार। समझने का प्रयास करिएगा बेटा। तो साइन थीटा की जब हम बात करें, मतलब जब हम इस त्रिभुज में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो अप्लाई करेंगे, जब हम त्रिकोणमिति अनुपातों का प्रयोग इस त्रिभुज में करेंगे, तो जैसे साइन थीटा का हम लोग प्रयोग करें, तो साइन थीटा बराबर बेटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। जब हम कॉट की बात करेंगे तो नीचे से लेंगे, अब इस बार जिसको हम लोग लेते हैं उसी के साथ वाला लेते हैं, तो आधार बटे लंब, सेक बराबर कर्ण बटे आधार, कॉसेक बराबर कर्ण बटे लंब। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर बेटा क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। जब बात करेंगे बेटा टैन थीटा की, होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा होता है टैन का उल्टा, तो इसको वन अपॉन टैन लिख सकते हैं, और इसका एक डायरेक्ट होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। नेक्स्ट आगे देखिए, जैसे लिखा है सेक थीटा, तो बेटा सेक थीटा जो है वो होता है कॉस का उल्टा, तो हम इसको लिख सकते हैं वन अपॉन कॉस थीटा। अगर हम बात करें बेटा कॉसेक थीटा की, तो कॉसेक उल्टा हो जाएगा साइन का, तो वन अपॉन साइन थीटा। याद करने का बड़ा सरल तरीका है, आप स्टार्टिंग के तीन देखिए ध्यान से, साइन कॉसेक को उल्टा है तो कॉसेक साइन को उल्टा हो जाएगा, कॉसेक को उल्टा है तो सेक कॉस का उल्टा हो जाएगा, टैन बेटा कॉट को उल्टा है तो कॉट का उल्टा टैन हो जाएगा। बस इसमें दो आपको याद रखने हैं कि टैन बराबर साइन बटे कॉस भी होता है, और कॉट बराबर कॉस बटे साइन भी होता है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी, अभी इसमें कुछ बेसिक फार्मूले आपको आएंगे, वो आपको सीखने पड़ेंगे, ठीक है, और एक टेबल आपको लर्न करनी पड़ेगी 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री के साइन में क्या वैल्यू होती है, कॉस में क्या वैल्यू होती है, ठीक है। उसके बाद आपको क्वाड्रेंट आगे पढ़ना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो आपको समझनी पड़ेंगी। इतनी बात आपको बेटा क्लियर हो गई होगी, ठीक है। इंग्लिश मीडियम, जैसे कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं तो उनके लिए थोड़ा सरल कर देते हैं चीज़ें बेटा, जैसे ये सारी चीज़ें तो आप समझ गए होंगे। अब आप इसे कर्ण, आधार और लंब नहीं जानते होंगे, तो इसको सिंपल तरीका है, इंग्लिश मीडियम वाले कैसे पढ़ सकते हैं इसको, वो दो वर्ड याद रखें, दो लाइन याद रखें ट्रिक में। जैसे लंब को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं बेटा, आधार को बेस बोलते हैं, और लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं, और अपॉन बेटा कर्ण को हम लोग इंग्लिश में हाइपोटेनियस बोलते हैं, कर्ण को हाइपोटेनियस बोलते हैं, और आधार को बेटा बेस बोलते हैं, ठीक है बेटा। तो इसको हम वैसे लिख लें, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक।
तो बेटा इसको याद करने का ट्रिक क्या है, जैसे हम लोग हिंदी मीडियम वाले याद कर सकते हैं लाल बटे कक्का, तो इंग्लिश मीडियम वाले याद कर लें पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इतना बेटा क्लियर हो गया। और साइन है तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, उसके जस्ट अपोजिट कर दीजिए तो कॉट थीटा बराबर बेटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा बराबर हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और कॉट थीटा कॉसेक थीटा बराबर हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये बड़ी सिंपल सी चीज़ें हैं। तो ये बेटा बेसिक चीज़ें थी, नेक्स्ट इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे।